दोस्तों इस तरह का 3D इमेज जनरेट करने के लिए सबसे आसान तरीका बताऊंगा जो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल चल रही है। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां से आपको विंग आई को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं यहां से विंग आई को ओपन कर लिया। देख सकते हैं दोस्तों ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आपको। तो सिंपल से यहाँ पर कुछ टेक्स्ट मैं ऐड करने वाला हूँ। देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट को ऐड कर दिया। ऐड करने पर यहाँ पर देख सकते हैं अपना नाम को यहाँ पर आपको ऐड करना होगा दोस्तों। ऐड करने के बाद सिंपल से आपको क्रिएट फॉर वाले पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 4 फ्रेम में इमेज जनरेट करके दे दिया। सिंपल सा दोस्तों आपको जो भी इमेज पसंद पड़ता है सिंपल सा उस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं मुझे ये इमेज पसंद पड़ रहा है मैं इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ देर में इस तरह का इंटरफेस शो आ जाएगा आपको। सिंपल सा दोस्तों आप यहाँ 3 डॉट लाइन पर क्लिक करके अब यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। देख सकते हैं ये गैलरी में डाउनलोड हो चुका है दोस्तों। अगर इमेज आपको पसंद नहीं पड़ता है तो सिंपल सा दोस्तों फिर से आप क्रिएट पर क्लिक करके आप फिर से इमेज को जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद अब इसे मैं वीडियो में कन्वर्ट करता हूँ। सिंपल सा दोस्तों यहाँ पर इस सर्च में मैं इनसॉर्ट का उपयोग करने वाला हूँ। सिंपल सा आप इनसॉर्ट का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से मैं इनसॉर्ट को यहाँ से ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं कुछ एडिटिंग कर रहा था तो इसे मैं बैक कर लूँगा। बैक करने के बाद दोस्तों यहां से मैं एक फ़ोटो उसी को सेलेक्ट कर लूँगा और यहां से यहां पर ही देख सकते हैं कन्वेंस इस पर क्लिक करके दोस्तों यहां से मैं 9:16 रेशियो लेके यहां से जूम इन कर देना है। जूम इन करने के बाद आप इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है देन इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ही देख सकते हैं आपको इफेक्ट वाला टूल्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर ही स्टाइल वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करिएगा यहाँ पर ही आपको ब्लर्स टूल्स दिख जाएगा तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से अपने हिसाब से ब्लर करके इसको टिक पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ही देख सकते हैं मैं फोटो को ऐड करूँगा तो स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर ही गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ही दोस्तों आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फिर से उस फोटो को सेलेक्ट करके यहाँ से अच्छे तरीके से इसको एडजस्ट कर देना है। तो चलिए मैं इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। अब दोस्तों इसे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मैं इसे गैलरी में सेव कर लूँगा। दोस्तों मैं यहाँ से कैपकट का यूज करने वाला हूँ तो यहाँ से मैं VPN को ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद फिर से मुझे गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर सर्च बार में आना है और दोस्तों यहाँ पर मुझे सर्च करना है थाईलैंड। तो देख सकते हैं दोस्तों जैसे ही थाईलैंड सर्च करूंगा यहाँ पर शो कर देगा। सिंपल से इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके यहाँ पर देख सकते हैं यूज टेम्पलेट इन कैपकट इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करिएगा दोस्तों यहाँ पर शो कर देगा यूज टेम्पलेट। सिंपल से इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इमेज पर आपको क्लिक करके यहाँ पर सिंपल सा उस इमेज को ऐड करके यहाँ पर प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं ये इमेज आपका वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। अब आप यहाँ से इसे डाउनलोड करके सिंपल सा किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर आप वहाँ पर इसे आसानी से अपलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है इसको सेव करने का। सिंपल से यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। विदाउट वाटर मार्क पर क्लिक करके यहाँ से आपका गैलरी में सेव हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा।